हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रीन लव में। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले होली की शुभकामनाएं आप सभी को। ऐसे ही रंग बिरंगे कलर फूल हमारे ज़िंदगी में बिखरते रहें और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो ऐसे ही बढ़ती रहे, आपका प्यार ऐसे मुझे मिलता रहे। तो अब शुरुआत करते हैं मेरे स्प्रिंग सीजन ओवरव्यू की। ये मेरा छोटा सा वर्टिकल गार्डन, अभी इसमें डायंथस के फ्लावर खिले हुए हैं। देखिए, यहाँ इतनी धूप नहीं आती है फिर भी, और ये काना लिली के और केले के जो प्लांट हैं वो साफ सुथरे एकदम। बोगनविलिया में अभी ब्लूमिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन हार्ड प्रूनिंग की थी तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ग्रोथ अच्छी है। और ये गिलोय की बेल, इसमें भी ग्रोथ शुरू हो गई है धीरे धीरे, छोटे छोटे लीफ आए हुए हैं अभी। और ये देखिए, ये बोनसाई मेरा जेट प्लांट का, और ये रेफिस पाम के प्लांट मैंने एक साथ रखे हुए हैं। और ये जाता हुआ सूरज आपको अलविदा कह रहा है, इवनिंग टाइम है ये वीडियो बनाने का। बस एक चंपा का प्लांट है जिसपे अभी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है बस, लेकिन आ जाएगी धीरे धीरे। बाकी सब में पूरे लीफ, पूरे अच्छी हरियाली आई हुई है, जो पक्के प्लांट थे। और ये डोल हाय बोल रही है आपको आपको इसका भी जेट प्लांट अच्छी ग्रोथ पे है। और अडेनियम का तो है टाइम, अब छोटे छोटे लीफ आए हुए हैं ये देखिए कहीं कहीं से। और इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, वो भी ग्रो कर गई है। ये फायरवर्क्स ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, छोटी चांदनी। इन सभी को अब ओपन धूप में रखने की ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी सेटिंग की हुई है गर्मी के हिसाब से, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, इसमें भी आ जाएगी ग्रोथ बोगनविलिया में। और ये देखिए, इसमें तो फ्लावरिंग भी शुरू होने वाली है बस, है ना। ये बोगनविलिया के येलो फ्लावर ना, सॉरी रेड फ्लावर है, और जिसमें अभी ग्रोथ शुरू नहीं हुई वो येलो फ्लावर वाली है। ये देखिए, और इनकी फ्लावरिंग कितनी अच्छी लग रही है ना, कौन सा है ये सर्दियों का नेस्टर्शियम। और ये फिर से वाइट फ्लावर वाली बोगनविलिया, और आगे पिंक फ्लावर वाली बोगनविलिया है। ये ड्रेसिना का प्लांट है दोस्तों। अब ये टाइम ऐसा होता है, इसमें सभी प्लांट्स में जान सी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है गार्डन में। अगर आपके पास पक्के प्लांट हैं तो इस टाइम उनमें बहुत अच्छा लगता है देख के सब में। ये देखिए, कच्ची कच्ची पत्तियाँ आई हुई है ना, अच्छी लगती है। जैसे अभी ला के लगाया है ये यूफोर्बिया मिली, ये सबसे अच्छा प्लांट है ना, इसमें कोई देखभाल कुछ नहीं, फ्लावरिंग भी पूरा साल ही होती है ऑलमोस्ट। और इसकी कटिंग भी बड़ी आसानी से लग जाती है, बहुत आसानी से। ये एक और मोगरा का है मेरा, इन सब की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, इतनी हार्ड प्रूनिंग की थी इसलिए इनकी हाइट अब थोड़ी कम लग रही है आपको, लेकिन अच्छा ग्रोथ होगा ये आने वाले टाइम में, अच्छी फ्लावरिंग देगा, मुझे पक्का विश्वास है, देखते रहना आप। और ये मेरा फेवरेट यू मेरा नारंगी का प्लांट, इसमें देखिए तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, फ्लावरिंग भी आ रही है, छोटी नारंगी भी लगी हुई हैं और बड़ी नारंगी भी हैं। देखिए कितनी हैवी है ये, और ये पता है देखने में अच्छी लगती है लेकिन खाने में बिल्कुल इतनी लेमन से भी खट्टी है कि आप उसी टाइम निकाल दोगे, खा नहीं सकते आप इसको। और ये ओलियंडर का प्लांट है, इसमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट है, बस हफ्ते में फूल खिल जाएंगे। ये मेरा अमरूद का प्लांट है, इसमें बहुत बड़े बड़े साइज के अमरूद हो गए हैं अब,
बस मैं इनकी वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है तो मैं टेस्ट करूँ इनको तोड़ के। हैवी हैवी हो रहे हैं अब, लेगा इसमें सिर्फ 3 ही, पता नहीं अब आगे कितने लगेंगे। और ये गुड़हल के दोनों प्लांट तीनों एक साथ रखे हुए हैं और अब तैयार हैं अपने फ्लावरिंग देने के लिए आने वाले टाइम में। ये गोरी चोरी का तो बर्ड्स भी आई हुई हैं। और ये देखिए पर्पल हार्ट, ये मरवे का प्लांट है चंपा के साथ, और वाइट पेरीविंकल। विंका के प्लांट अपने आप ही उग जाते हैं दोस्तों, बहुत हार्डी प्लांट है ये और कुछ केयर की ज़रूरत नहीं है। ये पिंक कलर का रोज आपको हाय हेलो कह रहा है, और फाइकस इधर सारे रोज लगे हुए हैं। अभी इतने ब्लूम नहीं है लेकिन कभी कभी तो 10-10 12-12 फ्लावर देखने को मिलते हैं बड़े बड़े। ये देखिए है ना, स्पेंट फ्लावर को तोड़ते रहिएगा ताकि आपको नए फ्लावर का स्पेस मिल सके। साथ साथ तो स्पेंट फ्लावर तोड़ते रहोगे तो नए फ्लावर के लिए जगह मिल जाएगी। और ये खजूर का है, ये आपको मैं दिखाऊंगी अभी। रोज की ग्रोथ देखिए है ना, इस टाइम रोज का ही टाइम चला हुआ है। ये खजूर का प्लांट है देखिए, ये मैंने ना गुठली दबाई थी 3-4 साल पहले। एक तो बहुत बड़ा हो रहा है इससे, और एक ये है, ये थूजा का प्लांट है, बिल्कुल पक्का प्लांट, कोई केयर नहीं मांगता आपको, लगा के भूल जाइए बस। अगर आपको अपने गार्डन में खाली ग्रीनरी चाहिए तो जैसे बालकनी वगैरह है, धूप ज़्यादा नहीं आती है, तो आप ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। जैसे शफलेरा है, थूजा है, इसको आप धूप में भी रख सकते हैं, छाया में भी रख सकते हैं, थोड़ी बहुत धूप जैसे 2-4 घंटे की ठीक है। और ये विंटर सीजन के जो सारे पोट हैं वो मैंने एक तरफ रखे हुए हैं, सब में मतलब हार्ड प्रूनिंग की हुई है। और ये सारे मैरीगोल्ड के, कैलेंडुला के पोट हैं जिनका अब सीजन बस जाने वाला है और सारे पोट खाली होंगे अब तो, सरगर्मियों के लगेंगे अब इसमें। और ये मिर्ची के दो प्लांट हैं, मैंने काफ़ी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी इनकी क्योंकि इसमें इंसेक्ट का अटैक हो गया था। और ये देखिए फाइलोडेंड्रोन था पीछे, और झुमका बेल, और ये कैलेंचो में ब्लूमिंग देखिए। मेरा रेड कलर का ऊपर है और ऑरेंज और येलो कलर का कैलेंचो नीचे बालकनी में बास्केट में हैंग किया हुआ है मैंने, बहुत अच्छा लगता है वो। एक और ड्रेसिना, ड्रेसिना की कई वैरायटी होती हैं दोस्तों, कलर में, डिजाइन में, पत्तों के, बहुत अच्छे लगते हैं ये। और ये सारे एनुअल क्रैसेंथमम रखे हुए हैं एक तरफ है ना। अभी इनमें जो स्पेंट फ्लावर थे वो मैंने काट दिए इसलिए कम फ्लावरिंग दिखाई दे रही है आपको। ये हैंगिंग बास्केट का स्टैंड है, पिटूनिया में खुला खुला इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बालकनी में इसमें से निकाल के हैंग कर दिए थे बास्केट में। अब देखो अब वो चलते हैं नहीं चलते हैं, इसलिए आपको खुला खुला लग रहा है। ये देखिए है ना, एक और कैलेंडुला, ये बेबी सनरोज का टाइम है अब ग्रोथ का। अब अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो बेबी सनरोज का अच्छा टाइम है कटिंग लगाने का। और ये इधर से फिर से एनुअल क्रायसैंथेमम, और इधर सारे मैंने रखे हुए हैं ये नेस्टर्शियम, और पीछे आपके दिखाई दे रहे हैं डेलिया के प्लांट। इसमें एक में बड आई हुई है, सारे फ्लावर खिल के अब बंद हो चुके हैं, देखते हैं वैसे तो हरे भरे हैं। शफलेरा का प्लांट, शफलेरा का भी ऐसा प्लांट है, ये आप इसको धूप की ज़रूरत नहीं है, 2-3 घंटे की सुबह सुबह की या शाम की धूप काफ़ी है। और कड़ी पत्ते के लिए ये देखिए कितने
इतना हेल्दी पेरिविंकल है मेरे पास, और इसके सीड्स मैंने दबाए थे, देखिए इसके बेबी कड़ी पत्ता निकले हुए हैं अभी, है ना। और ये एक लाइन में मैंने पॉइंट सेतिया रखे हुए हैं, अभी इनमें ग्रोथ है। इनके पत्ते झड़ गए थे एक बार, तो अभी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये अजवाइन का प्लांट दिखाई दे रहा था आपको, और ये मेरा नया मेहमान बिगुनिया, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। फाइलोडेंड्रोन कोलियस का, कोलियस के भी आप कितनी ही कटिंग लगा सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप कभी ख़त्म नहीं होगा। ये क्रोटोन को भी धूप की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप इसको शेड में रख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है यूट्यूब पे, मेरी सब्सक्राइबर है, तो उनको थोड़ी नॉलेज चाहिए थी कि कौन से प्लांट बिल्कुल शेड में रख सकते हैं और कौन से नहीं। और ये देखे, मैंने कटिंग की वीडियो बनाई थी ना एक, इसमें रोज की कटिंग लगाई थी, कितनी अच्छी ग्रोथ है। इसमें मैंने 5-6 कटिंग लगा रखी हैं, लेकिन ये टॉप TPO का की है कटिंग, लेकिन इसमें 2-3 ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस टाइम कटिंग लगा के फरवरी मार्च में, 2 भी चलेंगे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलते हुए ये मेरे गार्डन का ओवरव्यू, ये देखें, ये चलते हुए लेफ्ट टर्न ले लेंगे और मुड़ जाएंगे, ये देखिए। और लेफ्ट साइड में मेरा शेड डला हुआ है, जिसमें मैंने शेड लविंग प्लांट रखे हुए हैं मोस्टली, ये देखिए। आने वाले टाइम में मैं अपने गार्डन में कुछ चेंजेस करूंगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। शफलेरा का, एरेका पाम, और ये मिनी फेरी गार्डन स्टूल पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा गार्डन अच्छा लगा होगा। स्प्रिंग सीजन का वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर से एक बार हैप्पी होली।